The internet is full of bro science, fake knowledge, half information, or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon, and you never have to go anywhere else ever again. हेलो एवरीवन, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप दोस्तों। मैं हूं डॉक्टर परमजीत और आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। आज हम बात करेंगे टैटूज पे। जी हाँ, कई यंग और इवन हमारे सारे लोग टैटूज बनाते हैं, तो टैटूज बनाने में कई सारे खतरे भी हैं और कई रिस्क भी हैं, तो इसको लाइटली नहीं लेना है। इसके बेसिक सेफ्टी प्रिकॉशंस और आफ्टर केयर ध्यान में रखें। आगे हम टैटूज निकालने के वीडियोस भी बना देंगे कि कैसे निकाला जाता है सेफली और क्या रिस्क है उसमें। तो टैटूज जो है बहुत ज़्यादा कॉमन है, ठीक है, और कई सारे लोग उसे लगा रहे हैं, बट आपको पता होना चाहिए उसके रिस्क क्या है। पहले समझ लेते हैं कि वो होते क्या हैं टैटूज और वो एक किस प्रकार बनाए जाते हैं। टैटू बेसिकली एक परमानेंट सा मार्क होता है, डिज़ाइन होता है जो स्किन के ऊपर बनाया जाता है, जिसमें कि कुछ पिगमेंट्स यानी काले या अलग अलग रंग के पिगमेंट्स आपके स्किन के टॉप लेयर के अंदर डाले जाते हैं। तो स्किन के अंदर लिटरली आप सुई डाल रहे हो, प्रिक कर रहे हो, ठीक है, छेद कर रहे हो, छोटे छेद होते हैं। टिपिकली जो होती है एक हाथ पे हैंड मशीन होती है, जो कि स्विंग मशीन जैसे सुई धागा होता है उसके जैसे काम करती है, जिसमें एक से ज्यादा हो सकता है नीडल्स हो, कभी कभी एक भी हो सकती है, उससे ज्यादा भी हो सकती है, और बार बार रिपीटेडली वो स्किन पे वहां पंक्चर करते हैं, और पंक्चर करते साथ साथ नीडल जो उसकी होती है, सुई जो होती है, वो वहां पर इंक आपकी डालती जाती है स्किन के नीचे। अब ज्यादातर ये बिना एनेस्थीसिया के होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पेनफुल नहीं होता है, पेनफुल होता है, अब अलग अलग लोगों का अलग अलग थ्रेशोल्ड हो सकता है पेन का, और थोड़ी बहुत इसमें ब्लीडिंग भी हो सकती है। लेकिन कई सारे, यानी मैंने जैसे बोला, किसी किसी को कम, किसी किसी को बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट पेन भी हो सकता है। सो अब इसमें ऑब्वियसली सुई लग रही है, तो सुई से रिलेटेड रिस्क होंगे, डाई से रिलेटेड रिस्क होंगे, जैसे कि इस प्रकार की फोटो में आप देख सक रहे हैं, कई सारे सीवियर एलर्जिक रिएक्शंस, स्किन इन्फेक्शंस, ऐसी चीज़ें भी होने का रिस्क रहता है। इसलिए अच्छी डाई अच्छी जगह से ही टैटू कराएं। अगर डाई गलत यूज़ हो गई या सुई जो टैटू की जो मशीन है वो उसको रीयूज करा गया, स्टरलाइज नहीं किया गया उसकी नीडल्स को, तब भी बहुत दिक्कत है। सो डाई स्पेशली जो लाल, रेड, ग्रीन, येलो और ब्लू कलर, ये चार कलर ऐसे हैं जो सिवियर या कह लीजिए एलर्जिक स्किन रिएक्शंस प्रोड्यूस कर सकते हैं ज्यादा मात्रा में। ओके, सो इचिंग रैश टैटू साइट पे हो सकता है। ये चीज ऐसा भी नहीं है कि उसी दिन होगी, कई सालों के बाद भी हो सकती है उसी टैटू वाले एरिया पे सालों के बाद, क्योंकि वो डाई तो अंदर ही है ना। और स्किन इन्फेक्शंस होने का रिस्क है सुई लग रही है तो, और कुछ और अलग प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, कुछ तरीके के लोकल एरिया पे इन्फ्लामेटरी चेंजेस जैसे ग्रैनुलोमा, केलॉइड्स, ओवरग्रोथ स्कार्स हो सकते हैं। और ऑब्वियसली अगर रीयूज किया गया है नीडल, तो उससे पहले वाले बंदे को यूज किया गया हो तो उसको, ये जैसे ये फोटो देख रहे हो केलॉइड की है, केलॉइड ओवरग्रोथ स्कार है, बनाया टैटू बन गया स्कार। ब्लड बॉर्न डिजीज का मतलब होता है जहां पर हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, HIV, MRSA जैसे बैक्टीरिया या वायरसेस दूसरे के शरीर से आपके शरीर में बिकॉज ऑफ दैट नीडल या वो जो यूज किया रीयूज चीजों से वजह से आ सकता है। तो प्रॉपर नया स्टराइल इक्विपमेंट होना जरूरी है। उसके बाद देर आर MRI कॉम्प्लिकेशंस। MRI एयर मशीन आपको पता है, CT स्कैन, MRI, कुछ टैटूज जो होते हैं वो MRI के बाद लिटरली बर्न कर जाते हैं, बिकॉज टैटू पिगमेंट्स के अंदर कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो MRI मशीन के साथ रिएक्ट करते हैं, और इवन टैटू अगर ज्यादा मात्रा में टैटू हो तो MRI की इमेज के साथ भी प्रॉब्लम आएगी। आपका लंग्स देखना है, छाती पे पूरा रॉक बना रखा है, डेवेन जॉनसन जैसा टैटू है, तो एक तरफ में गड़बड़ आएगी, दूसरी तरफ इन्फेक्शन है, क्या है पता नहीं चल रहा। सो प्लस कुछ प्रकार की दवाइयां, जैसे कि अगर आप टैटू लेते हैं तो आपको हो सकता है एलर्जी की मेडिसिन लेनी पड़े, इन्फेक्शन की मेडिसिन लेनी पड़े, और आपको उसकी दवाई लेना पड़े। सो पहली बात तो इंपॉर्टेंट है कि ये सारे रिस्क जानते हुए मेक श्योर कि आप रेडी हैं, आप तैयार हैं, आप समझते हैं कि इसमें क्या लेना देना है। ऐसा ना हो कि आप दारू पी के या ड्रग्स लेके अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ पीयर प्रेशर उठा के ऐसे कुछ काम कर रहे हैं, ठीक है। प्लस देन आपको ढंग की जगह देखनी है, जहां पर ऐसा नहीं कि जहां सस्ते में हो रहा है वहां जाके टैटू करा लिया, ठीक है, और ग्रुप में हो रहा है तो सबके नीडल्स यूज होगी एक ही बार में, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रेगनेंसी है आपको बिल्कुल नहीं लेना है, और याद रखिए कि कई सारी चीज़ें ध्यान रखना है आपको, कि
ऐसे एरियाज पे ये कोई कोई लॉजिकल नहीं होता है कि वजन ज्यादा है तो उस जगह पे टैटू बना लो वजन छुपाने के लिए, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, अच्छा टैटूइंग जो है अच्छी जगह से करना है, ध्यान रखना है कि वो अगर करवाते हैं तो वो ग्लव्स पहने, स्टराइल नीडल हो, नया हो इक्विपमेंट या उसका जो हेड होता है, और प्रॉपर इक्विपमेंट होना चाहिए। स्टराइलिटी नॉन डिस्पोजेबल अगर इक्विपमेंट है तो उसको स्टराइल करेगा ऑटोक्लेव पे प्रॉपरली, नहीं अगर नॉन डिस्पोजेबल तो डिस्पोजेबल यूज होगा। और आफ्टर यू डू टैटू आपकी स्किन को आपने ध्यान रखना पड़ेगा। कैसे? आपको क्या क्या करना पड़ेगा? आपकी स्किन को ऑब्वियसली क्लीन रखना पड़ेगा रेगुलरली, और उसमें सोप एंड वाटर से जेंटली आपको शावर करना है, बहुत ज़्यादा रब नहीं करना है, एरिया ड्राई नहीं रखना है। मॉइस्चराइजर आप यूज़ करेंगे माइल्ड वाला, और वो पूरे दिन में कई बार यूज़ करेंगे, और धूप से बचाना है उस एरिया को जहाँ टैटू हुआ है, और इमिजिएटली जाके क्या बोलते हैं स्विमिंग नहीं कर लेनी, और अपने कपड़े ध्यान से चूज करने हैं, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं पहननी जो जाके टैटू से स्टिक हो जाए, चिपक जाए। एटलीस्ट 2 हफ्ते आपको लगेंगे टैटू को हील होने में, और उसमें कहीं पर भी अगर कोई स्कैब आता है, नहीं कोई छोटा मोटा उसका वो आता है, उसके ऊपर पपड़ी नहीं आती, पपड़ी को खींच के तोड़ना नहीं है, ठीक है, नहीं तो इन्फेक्शन होने का रिस्क हो सकता है, टैटू का डिजाइन खराब हो सकता है। और अगर आपको कहीं भी डाउट लग रहा है तो एक स्किन डॉक्टर डर्मेटोलॉजिस्ट से बात करें, वो आपके टैटूज जो हैं वो अगर प्रॉब्लम आ रही है स्किन की तो वो ठीक करेंगे। टैटू निकालने के भी कई ऑप्शन हैं, उसके लिए एक डिफरेंट वीडियो के साथ हम आपके सामने हाजिर होंगे। कृपया इसको जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी।